हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइज, आज हमारे पास है बहुत ही दोनों खूबसूरत बाइक। वन साइड है यामा की तरफ से YZF R3 BS6 एंड दूसरी तरफ कावासाकी की तरफ से निंजा ZX 250R। गाइज, दोनों ही जो बाइक है लगभग सेम सेगमेंट में आता है, 250cc टू 300cc कैटेगरी के अंदर दोनों ही जो बाइक आता है। बट दोनों बाइक के अंदर गाइज सबसे बड़ा डिफरेंट है, एक ट्विन सिलेंडर है एंड अगर हम 250R की बात करें तो दिस इज इनलाइन 4 मशीन। दोनों बाइक का फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से देखें, पीछे से देखें तो दोनों ही जो बाइक है गाइस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। एंड अगर हम R3 की बात करें तो गाइस R3 का जो फ्रंट हेडलाइट है मेरे को थोड़ा सा R15 इंस्पायर लगता है, बिकॉज आप लोग जानते हो गाइस R15 पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद R3 लॉन्च हुआ, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है भाई R3 का जो फ्रंट हेडलाइट है एंड ZX 250R का जो हेडलाइट है दैट इज ZX 6R इंस्पायर्ड। सो दोनों का जो हेडलाइट है गाइस बहुत ही खूबसूरत है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड से भी दोनों ही जो बाइक है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगता है। एंड अगर हम पीछे का पोर्शन की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको LED टेल लाइट मिल जाएगा एंड दोनों का जो टेल लाइट है गाइस बहुत ही खूबसूरत है। गाइस अगर हम दोनों बाइक के इंडिकेटर की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको कंपनी ने LED नहीं डाला, दोनों बाइक के अंदर ही गाइस आपको हैलोजन मिलेगा। इतना हाई प्राइस है दोनों बाइक का, फिर भी गाइस कंपनी ने हैलोजन डाला है। अगर हम ZX 250R की बात करें तो सभी कावासाकी बाइक में जिस तरह इंडिकेटर आता है बॉडी इंडिकेटर, इसमें भी गाइस सेम ही आ रहा है। एंड अगर हम R3 की बात करें तो R3 में तो गाइस फुल्ली हैलोजन डाल दिया, जैसे नॉर्मल बाइक में आता है वैसे ही लगता है गाइस R3 का जो इंडिकेटर है। सो गाइस आप नीचे कमेंट करके बोलो इन दोनों में से कौन सा बाइक आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस नेक्स्ट जो चीज आता है दैट इज टायर। अगर हम दोनों बाइक का टायर की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर जो फ्रंट टायर मिलेगा दैट इज एग्जैक्टली सेम। फ्रंट में दोनों बाइक के अंदर ही आपको 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। अगर हम पीछे का बात करें तो R3 के अंदर आपको 140/60 सेक्शन टायर मिलेगा। अगर हम ZX 250R की बात करें तो 150/60 सेक्शन का टायर मिलेगा। गाइस दोनों बाइक के अंदर जो सबसे बड़ा सिमिलरिटी है, दोनों बाइक के अंदर ही कंपनी ने डनलॉप की टायर डाला है, बट ZX 250R का जो टायर है थोड़ा सा वाइडर है एज कम्पेयर टू R3। गाइज अगर हम दोनों बाइक का फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको USD फोक्स मिलेगा एंड दोनों का जो साइज है गाइज वो भी एक्जैक्टली सेम है, 41mm USD फोक्स मिलेगा दोनों बाइक के अंदर ही। बट यहाँ पर देखा जाए तो गाइज ZX 250R का जो हैंडल बार है थोड़ा सा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू R3। R3 का गाइज जो सबसे अच्छा चीज मेरे को लगा दैट इज कंपनी ने इसको फुल्ली स्टाइलिश बना दिया। फिर भी गाइज आप इसको लेके सिटी राइड भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसको लेकर ट्रैक भी कर सकते हो। बट गाइज ZX 250R को लेकर आप ज्यादा देर सिटी राइड नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो हैंडल बार है बहुत ही एग्रेसिव है ZX 10R की तरह। दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो R3 के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले मिल जाएगा। उसी तरह गाइस अगर हम ZX 250R की बात करें तो इसके अंदर कंपनी ने सेमी एनालॉग डिजिटल मीटर डाला है जो कि ZX 6R इंस्पायर्ड। बट गाइस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एज कम्पेयर टू R3 ZX 250R का जो मीटर है आपको ज्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। गाइज अगर हम R3 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, माइलेज, गियर पोजीशन, इंडिकेटर, सीप लाइट, डिस्टेंस टू MT, सो आपको जो जो चीज रिक्वायरमेंट है गाइज सभी चीज इसके अंदर मिल जाएगा। बट अगर हम ZX 250R की बात करें, R3 के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा सभी चीज गाइज इसके अंदर है, साथ ही साथ इसके अंदर लैप टाइमर मिलेगा, इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर है। कंपनी ने इस बाइक के अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर डाला है दैट इज बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिलेगा। गाइज दोनों बाइक के अंदर ही आपको स्लीपर क्लच मिलेगा, सो दोनों का जो क्लच है गाइज एक्सट्रीमली स्मूथ है। गाइज अगर हम दोनों बाइक का फ्यूल टैंक की बात करें तो R3 के अंदर आपको 14 लीटर का टैंक मिल जाएगा। दूसरी तरह अगर हम ZX 250R की बात करें तो उसके अंदर 14.5 लीटर का टैंक मिलेगा एंड दोनों का जो रेंज है गाइज लगभग सेम ही है, बिकॉज गाइज ZX 250R के अंदर आपको इनलाइन 4 मिलेगा, साथ ही साथ उसका CC कम है। एंड अगर हम R3 का बात करें तो R3 का CC ज्यादा है, उसके अंदर सिलेंडर कम है, तो दोनों का जो माइलेज है गाइज 15-20 तक माइलेज दोनों बाइक के अंदर आपको मिलेगा। गाइज अगर हम दोनों बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ZX 250R के अंदर आपको बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, दैट इज ओनली 125mm, जो कि भाई हमारे इंडियन रोड के लिए बिल्कुल भी तो नहीं है, आसानी से स्पीड ब्रेकर में हिट हो जाएगा। एंड अगर हम R3 की बात करें तो उसके अंदर 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा जो कि भाई बहुत ही अच्छा है। गाइस फाइनल जो चीज पे आता है दैट इज इंजन। अगर हम ZX 250R की बात करें तो इसके अंदर 249cc लिक्विड कूल 16 वाल्व इनलाइन 4 इंजन मिलेगा एंड इस बाइक का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज 51 bhp 18,000 rpm। गाइस इसका जो रेव लाइन है इसके सेगमेंट में जो बाइक आता है सबसे ज्यादा है। एंड अगर हम टॉर्क फिगर की बात करें तो 26 Nm टॉर्क एट 15,000 rpm। साथ ही साथ गाइस इस बाइक का जो टॉप स्पीड मिलेगा अप्रोक्स 200 km/h होना ही था, बिकॉज दिस इज इनलाइन 4 मशीन, आप लोग जानते हो गाइस मिनी सुपर बाइक एंड इसका जो टॉप स्पीड है 200 km/h है। दूसरी तरह गाइस अगर हम R3 का बात करें, दिस इज 321cc लिक्विड कूल 8 वाल्व इनलाइन 2 इंजन एंड इस बाइक का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज अप्रोक्स 43 bhp 11,000 rpm। एंड अगर हम टॉर्क फिगर की बात करें तो 27 Nm टॉर्क एट 10,000 rpm। साथ ही साथ
साथ गाइस इस बाइक का भी जो टॉप स्पीड मिलेगा क्लोज टू 200 किलोमीटर पर आवर। गाइस आप जो चीज पाते हैं दैट इज प्राइस। अगर हम दोनों बाइक का प्राइस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज ह्यूज। अगर हम R3 का बात करें तो दैट इज अप्रोक्स 4.5 टू 5 लाख की ऑन रोड आएगा। एंड अगर हम ZX25R की बात करें तो गाइस इसका प्राइस इससे 4 टू 5 लाख ज्यादा महंगा है, अप्रोक्स 8 टू 9 लाख ऑन रोड आएगा। गाइस यहां पर देखा जाए तो भाई R3 मेरे को बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, बिकॉज R3 का जो इनिशियल पिकअप है सेम एज ZX25R, लगभग सेम ही है गाइस। एंड R3 का जो टॉप स्पीड है वो भी क्लोज टू ZX25R। बट गाइस दोनों बाइक के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज एक इनलाइन 2 है एंड दूसरा इनलाइन 4 है। ZX25R का जो साउंड है एनी डे R3 से बेटर होगा, बट फिर भी गाइस 4 लाख ज्यादा पे करके ZX25R, आपका क्या राय है गाइस इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट करके बोलना। ऐसा नहीं है गाइस R3 का जो साउंड है बहुत ही बुरा है, R3 का भी जो साउंड है डुअल सिलेंडर में बहुत ही बढ़िया है। ZX25R जिस प्राइस रेंज में आ रहा है आप अगर थोड़ा पैसा ऐड कर दोगे तो आपको J900 मिल जाएगा, CBR650R मिल जाएगा। सो आपके पास गाइस बहुत सारे ऑप्शन है। तो गाइस दोनों बाइक के अंदर कौन सा आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा कमेंट करके डेफिनेटली बोलना। कौन सा बाइक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, किसका कंपैरिजन देखना चाहते हो गाइस कमेंट करके डेफिनेटली बोलना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, सी यू सून, बाय बाय, लव यू।